किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान। आज आप सुनेंगे इसका 8वां भाग, अध्याय है बुराई के लिए पीले टिकट की व्यवस्था। ये इस अध्याय का आखिरी भाग है। गोरों के मुकाबले नेग्रो लोगों में रोग की बढ़ती इतनी ज्यादा है, क्यों? क्या इसका कारण, जैसा कि डॉक्टर स्मिली ने बताया है, जाति भेद है? गोरों में भी समाज से बहिष्कृत गोरों पर ही गुप्त रोगों का हमला सबसे अधिक क्यों होता है? किसी भी अनुभवी समाज सेवी के लिए इसका उत्तर सहज ही है। नेग्रो लोगों के बीच गर्मी को जो नजरअंदाज किया गया है, उसकी एक खास वजह है। वजह है सच्चाई सामने लाने पर कि नेग्रो लोगों को अमेरिका में कैसा जीवन बिताना पड़ता है, इसकी असलियत खुल जाएगी। अमेरिका के बहुसंख्यक नेग्रो आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न की चक्की में पिस रहे हैं। ये उत्पीड़न जारशाही उत्पीड़न से किसी भी बात में कम नहीं है। नेग्रो लोगों और समाज से बहिष्कृत गोरों में गर्मी के रोग की अधिकता दोनों की वजह एक ही है। इस विजन का जाति भेद से कोई संबंध नहीं है। वजह है गरीबी। डॉक्टर स्मिली इस नग्न सत्य पर नम्र आंकड़ों और तथ्यों का पर्दा डाल रहे हैं, ठीक उन लोगों की तरह जो जानबूझकर या अनजाने ही अनैतिकता की बुनियादी सच्चाइयों को छिपाना चाहते हैं। डॉक्टर स्मिली कहते हैं, गर्मी वास्तव में एक सामाजिक बीमारी है। इसका मतलब क्या है, जो भी आप चाहें लगा लें। आर्थिक मंदी के दिनों में भी ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। इन वाक्यों का प्रयोग करने वाले वे तथाकथित वैज्ञानिक थे जो बेरोजगार लोगों के मामले की जांच पड़ताल में तटस्थता का दावा करते थे और सरकार से बेरोजगारी के दिनों में सहायता के रूप में कुछ पेंशन पाने वाले नक्कू शाह बनकर समाज शास्त्र के इन अध्येताओं ने दावा किया था कि बेरोजगारी वास्तव में एक सामाजिक घटना है। उन्होंने हास्यास्पद सिद्धांत गढ़े कि कितनी तरह के लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और इस तरह उन्होंने प्रतिक्रियावादियों की कुचालों का ही साथ दिया, जो अपने तथाकथित विज्ञान के बल पर हूवरवाद की तरह कहने लगे, जिसमें शक्ति होगी वो बेरोजगार नहीं रह सकता, कामचोर लोग ही सरकार से बेरोजगारी भत्ता चाहते हैं। निसंदेह गर्मी एक सामाजिक बीमारी है। इसी तरह वेश्यावृत्ति भी सामाजिक बुराई है। इसका अर्थ ये है कि अनैतिकता और उससे संबंधित तमाम समस्याओं की जड़ समाज की बुनियादी खराबियों में है। अमेरिका के नेग्रो लोगों के साथ साथ अपराधी और समाज से बहिष्कृत गोरों को जोड़कर डॉक्टर स्मिली ने वैज्ञानिक तथ्यों की सीमा को भी भंग किया है, और इस तरह जाने या बिना जाने उन्होंने जातियों के बीच नफरत फैलाने वालों के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार सौंप दिया। गर्मी की समस्या का ऐसा विश्लेषण और भी कुत्सित हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी का संबंध इंद्रियों से है, और ये सफेद झूठ कि नेग्रो जाति गोरी जाति से कम नैतिक होती है नेग्रो विरोधी प्रचार की आधारशिला है। इसको लेकर दक्षिण अमेरिका के फासिस्ट गोरे नेग्रो लोगों पर वहशियाना हमलों का आयोजन करते हैं। दक्षिण अमेरिका में नेग्रो और गोरों के बीच नैतिकता की समस्या नेग्रो जाति से नहीं, बल्कि उन पर थोपे जाने वाले अमानुषिक दमन से पैदा होती है। ये दमन कालों और गोरों दोनों को ही पस्त हिम्मती के गड्ढे में धकेल देता है। पर डॉक्टर स्मिली तो हमसे यह मनवाने पर तुले हैं कि नेग्रो लोगों को गर्मी से बरी कर देने पर गोरे भी उससे मुक्त हो जाएंगे। मतलब ये कि गोरों में गर्मी का रोग फैलाने की जिम्मेदारी नेग्रो लोगों पर ही है। ये विचार किसी दूसरे से नहीं, गोयबेल्स और उसके छुटभइयों से ही उधार लिए गए हैं। तो इस सामाजिक बीमारी का दूसरे देशों में रूप क्या है? कनाडा में
जहां नीग्रो आबादी बहुत कम है और जहां अमेरिका के मुकाबले गोरों और कालों के बीच आर्थिक भेदभाव बहुत कम है, उनमें गर्मी के रोग की बढ़ती का अंदाजा कभी अलग अलग आंकड़ों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। मैंने कनाडा के डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस संबंध में पूछताछ की है। कनाडा का औसत निग्रो गरीब जरूर है, लेकिन दरिद्रता से ये इतना ज्यादा पीड़ित नहीं है जितने कि अमेरिका के लाखों निग्रो परिवार। रही गुप्त रोगों की बात, सो कनाडा के गोरों और निग्रो लोगों में कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ता, परंतु रेड इंडियनों में जरूर उन जिलों में गर्मी का रोग बहुत ज्यादा है जहां शोषण ज्यादा है। तपेदिक के बारे में कनाडा के आंकड़े और भी दिलचस्प हैं। इस बीमारी को लेकर कनाडा के अधिकारियों ने बहुत पहले से ही गोरों और रेड इंडियनों के बीच भेद बना रखा है। गोरों के मुकाबले इंडियनों में तपेदिक के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। कनाडा के अधिकारी सच्चाई को नजरअंदाज करने के अपराधी नहीं है। उनका इस सिद्धांत में तनिक भी विश्वास नहीं है कि तपेदिक का मर्ज गोरों की बजाय इंडियनों को ज्यादा सताता है, क्योंकि वे इंडियन हैं। वे मानते हैं कि तपेदिक एक सामाजिक बीमारी है, पर वे इसके सामाजिक होने का कारण इस मर्ज से पीड़ितों की असहनीय दरिद्रता और इस दरिद्रता के सहायक गंदे भोजन, गंदे मकान, शिक्षा और चिकित्सा की कमी आदि को ही बताते हैं। कनाडा के विभिन्न क्षेत्रों में रेड इंडियनों में भी तपेदिक के मरीजों की संख्या भिन्न भिन्न है। डॉक्टर ई एल रॉस तथा एल एम पेन की हाल की जांच पड़ताल से पता चला है कि रेड इंडियनों के ही रहने के खास संरक्षित क्षेत्रों के आसपास तो तपेदिक से मरने वाले इंडियनों की संख्या गोरों के मुकाबले 20 गुनी ज्यादा है, वैसे औसत संख्या 10 गुनी से ज्यादा है। इन डॉक्टरों ने अपना मत निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है। आमतौर से कहा जाता है कि रेड इंडियनों के शरीर में तपेदिक के मर्ज को दूर रखने की क्षमता बहुत कम होती है, पर ये जानना काफी दिलचस्प है कि उनमें से तमाम रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। यदि इंडियनों को गोरों के बराबर सुविधाएं मिलें, तो उनका भी तपेदिक से बचाव हो सकता है। उन पर दवाइयां उतनी ही कारगर साबित होती हैं जितनी गोरों पर। कनाडा के रेड इंडियनों पर सरकार द्वारा लादी गई गरीबी, गंदगी और अज्ञान का जो वर्णन इन डॉक्टरों ने किया है, उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमेरिका में नेग्रो लोगों के बीच गर्मी के मरीजों की संख्या गोरों से 10 गुनी ज्यादा है। कनाडा में इंडियनों के बीच टीबी के मरीजों की संख्या गोरों के मुकाबले 10 से 20 गुनी तक अधिक है। दोनों ही रोग वास्तव में सामाजिक रोग है। इसका अर्थ स्पष्ट है। अर्थ ये है कि अमेरिका के नेग्रो और कनाडा के रेड इंडियन अपने अपने देशों में समाज के एक ही स्तर पर है। वे अपने अपने यहाँ के सबसे निचले वर्गों के लोग हैं। दोनों ही आर्थिक खाई की तलहटी में पड़े रहने को मजबूर हैं। बड़ी से बड़ी सूझबूझ वाले योजनाकारों के द्वारा बनाए गए तपेदिक और गुप्त रोगों के शफा खाने भी इस सामाजिक सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते। लगभग एक पीढ़ी पहले वेश्यावृत्ति संबंधी कांग्रेस के मौके पर रूस के मजदूर कार्यकर्ताओं ने उस समय उनके देश में पाए जाने वाले इसी सत्य को पेश करने की कोशिश की थी, पर जार के साम्राज्य में निग्रो जैसे दूसरी जाति के लोग नहीं बसते थे जिनको बलि का बकरा बनाया जाता और सत्य पर पर्दा डाला जाता। कांग्रेस के संचालकों ने सामाजिक गोरों के आर्थिक पहलू पर विचार करने से ही इनकार कर दिया था। दोनों हाथ उठाकर वे चीख पड़े थे, निचले वर्ग की औरतें और मनुष्य की सनातन पाप वृत्ति ही इसका कारण है। गोरकी के शब्दों में कहा जाए तो जारशाही और उसके समर्थक मरी मछलियों की तरह दिमाग की ओर से नीचे को सड़ रहे थे। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत अभी आप सुन रहे थे डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान की 8वीं कड़ी। आशा है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसे अन्य लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और व्हाट्सएप पर जुड़कर ऑडियो फाइल के साथ लगातार कार्यक्रम पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 9617226783 को अपनी संपर्क सूची में सहकार रेडियो नाम से सेव कर लें और अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त पवन को, सुनते रहिए सहकार रेडियो। किताबें करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।